बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दिस इज़ द एक्सरसाइज 3B ऑफ बुक D2। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ठीक है, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी देखा कि हमने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, और नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टर्स बनाने का मेथड स्टूडेंट्स, पहले हमने इसको ये जो दो आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करके हमने मिड अपनी ऐसी वैल्यू लानी है कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो ये हमारी मिडिल वाली आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली क्रॉस जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास वैल्यू आए जो मल्टीप्लाई करके आ रही है। ठीक है, अगर हम इधर 35 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -35। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई बाय -1 वी गेट -35। अब हमें इधर चाहिए +35 का। 35 को हम कुछ ऐसे फैक्टर्स में रिसॉल्व कर लें कि जिससे जो है ना ये हमारी मिडल वाली टर्म जो है ना वो जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए +2। ठीक है, ये 35 आया 3, 5 के टेबल पे, 5, 7 जा 35, वेरी सिंपल। ठीक है, और यही इसका फैक्टर बन रहा है। देखिए, हम 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और यही ये हमारे पास पहले ये इसको मल्टीप्लाई करके -35 आया। अब देखें हमने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। देखें, 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -5 के साथ तो हमारे पास आता है -35। ठीक है, और अगर 7 में से हम माइनस करते हैं 5 तो हमारे पास आता है 2। ये हमारे जो है ना ये फैक्टर्स बन गए इसके। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे फैक्टर्स बन गए, और ये अब हम इधर अप्लाई करेंगे। 1² + 7a - 5a + 35। ठीक है, इधर से कॉमन निकला, आपको नज़र आ रहा है दो दो वैल्यूज़ के अंदर से हमने कॉमन फाइंड आउट कर लेने हैं। इधर से कॉमन निकला -a, लेफ्ट हो गया a -7, और इधर से हमारे पास कॉमन आया -5। ठीक है, और बाकी बचा a -7। ठीक है, इस वाले माइनस ये बाहर आया, इसने अंदर वाली वैल्यूज़ को जो है ना वो उसकी चेंज कर दी कि प्लस को माइनस में कर दिया। देखें, अगर हम इसको रिवर्स भी जाके देखें ना, -5 है और इसको मल्टीप्लाई करें तो +35 हो जाता है। ठीक है, और अब इन दोनों में से जो है ना हमें ये चीज़ कॉमन नज़र आ रही है a -7, हम इसको ले लेंगे, और पीछे हमारे पास जो लेफ्ट रह गई -a एंड -5। And this is answer of question number 3, part A. Now students, part number B, -3 × 25, we get 75. हमारे पास 75 आ गया, और हमने ये इसका फैक्टर बनाना है। देखें, ये जो है ना +75 आया, और 75 × 1 = 75, ये अब हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो वो ये फैक्टर बनेगा इसका। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है हमारे पास 75, दोनों माइनस हो। ठीक है, दोनों जगह अगर माइनस हो तो उसको हम अगर प्लस करें तो हमारे पास आता है 75। ठीक, +75, लेकिन ये हमें लगाने की, क्योंकि प्लस का भी साइन हो तो यही आता है, माइनस का भी साइन हो तो ये यही आता है, 75 प्लस आता है, और ऐसे ही ये 75 + 1 वी गेट 76। ठीक है, देखिए, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75 आया, और जब हमने उनको प्लस किया तो ये 76 आया। ठीक, और हमें इधर माइनस का भी साइन के ये तो फैक्टर्स हैं लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 75, लेकिन ये इधर से बता रही थी कि ये 25 और ये 7 माइनस, दोनों के साथ माइनस है, और इस वजह से जो हमारी जिस डिजिट के हमने 75 के जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं वो हमारा पॉजिटिव है। (75b + b - 25) ठीक, इधर से हम कॉमन ले लेंगे -3b, और लेफ्ट रह गया हमारे पास b माइनस, और ये आया हमारे पास 25।
प्लस बी माइनस 25, ठीक है, ये इधर 1 है। अब इधर कॉमन आ गया बी माइनस 25, ये 1 लगाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रही हूँ कि जब हमने ये कॉमन लेना है। और इधर लेफ्ट रह गया माइनस 3b प्लस 1, ठीक, और ये ही आंसर है हमारे पार्ट नंबर बी का स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। अब इसके जो है ना आप फैक्टर्स बना लें, ठीक है, ये एलसीएम लेकर भी ना आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि कौन से आएंगे, 2 8s are, 2 4s are, 2 2 1s are, ठीक है। ये अब आपने इधर देखना है कि इधर 16 के जो है ना वो कौन से किन को हम प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो है ना वो 10 आए, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8, और 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 16, और अगर 8 में 2 प्लस करें तो वो हमारे पास आता है 10, ठीक है, ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 16, और 8 में अगर हम प्लस कर दें 2 तो तब हमारे पास आता है 10, ठीक है। ये हमारी जो है ना ये हमारी मिडिल टर्म आ गई जिसको हमने ब्रेक किया 8 और 2 में, ठीक, ये 4c² प्लस 8c प्लस 2c प्लस 4, इधर से कॉमन आया हमारे पास 4c, लेफ्ट बचा c प्लस 2, इधर कॉमन आया 2, लेफ्ट हुआ c प्लस 2, ये इसको आपने कॉमन लिख लिया c प्लस 2, और आ गया आपके पास 4c प्लस 2, ठीक है, और यही आंसर है आपके पार्ट नंबर c का। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी, देखें इधर वैल्यूज़ हैं 5d² माइनस 145d एंड 600, ये काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ जो है ना वो नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो करेंगे इसको तो उस तरह भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करते हुए हमने सबसे पहले जो है ना कॉमन देखना है हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। इधर हमारे पास कॉमन आ रहा है 5, जो हमारे पास लेफ्ट रह गया डी की स्केयर, 5 2s are 10 जी, और ये 4 आगे चले गए, और 9, 5 9s are 45, ये आया ये, और ये 5 1s are 5, आगे 1 गया 2, 10 हो गया, 5 2s are 10, और ये 120, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन बन गई। अब हमने जो है ना ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई जिसको हमने सॉल्व करना है, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 120, तो 120 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 2 6s are 3s are 2 15, और 3 5s are और 5 1s are, ठीक है, इनसे जो है ना हमने अपने फैक्टर्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं कि हमारे क्या फैक्टर्स आएंगे, कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास जो है ना माइनस 29 आ जाए, 3 2 2s are 4 4 2s are 8, और 8 3s are 24 जी, यही 24 को आपने मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 को, अगर आप माइनस 5 से सॉरी माइनस 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से तो आपके पास आता है 120, ठीक है, ये मैंने इधर से इतना एक फैक्टर बन गया और ये अकेला एक फैक्टर बन गया, ठीक, 2 2s are 4 4 2s are 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की होंगी तो हमारे पास ही आएगा, लेकिन जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये और 24 है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 29, ठीक, तो अब हम ये वाला अपना जो है ना वो फैक्टर को जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक, माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 वी गेट 120, और अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास माइनस 29 आएगा, ठीक स्टूडेंट्स, ये इसी तरह ये बाहर जो है ना ये इसके लिखा रहेगा 5 डी की स्केयर, बाकी हम अपना अंदर क्वेश्चंस वैसे ही जो है ना वो सॉल्व करते जाएंगे, माइनस 24d माइनस 5d प्लस 120, 5 साइड पे ये कॉमन लिया हमने तो हमारे पास आया d, लेफ्ट रह गया d माइनस 24, इधर हमने कॉमन लिया हमारे पास आया 5, और बाकी अंदर रह गया d माइनस 24, ठीक है, और इधर अब हमें कॉमन नज़र आ रहा है डी माइनस 24, और ये बाकी का डी माइनस 5, ठीक, और ये 5 इधर साथ ही, ठीक स्टूडेंट्स, और यही आंसर है जो है ना आपके
पार्ट नंबर डी का। ठीक, नाउ पार्ट नंबर ई स्टूडेंट्स, इधर भी पहले हमने कॉमन ले लेना है, जो है ना इधर फोर कॉमन आ रहा है, फोर के टेबल में एट भी आता है, सिक्सटी भी आता है। ठीक है, हमने फोर कॉमन लिया, फोर टू जार एट प्लस एफ, और ये फोर वन दा फोर, और ये फोर, हाँ जी टू आगे जाएगा, ट्वेंटी फोर फाइव दा ट्वेंटी। ठीक, ये हमारे पास आ गई हमारी क्वेश्चन बन गई, और ये अब 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आ रही है। ठीक है, अब हमने 30 का जो है ना वो फैक्टर्स बनाने हैं, 15, 5, 5 वन ज़ार 5। ठीक, ये जो है ना ये हम इसके 15 के फैक्टर बनाएंगे, ये आ जाएगा, और ये आ गया 3, 5 ज़ार। अब इधर से हमने देखना है कि हमारे कौन से जो है ना वो फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, ये बन रहा है ये 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 5 के साथ तो हमारे पास आता है माइनस 30। ठीक है, ये इधर भी इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 30 आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम 6 से माइनस कर देते हैं 5 तो हमारे पास आता है 1, जो कि एफ हमारे पास आएगा। तो ठीक है, ये हमारे फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए, इसके फोर साइड पे वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, और ये इधर हमने लगाया 2f, ये प्लस 6f माइनस 5f माइनस 15 4, इसमें से हमने कॉमन लिया 2 और साथ f भी, और लेफ्ट रह गया f प्लस 3, इधर से हमने माइनस 5 कॉमन लिया, लेफ्ट रह गया f प्लस 3। ठीक, अब देखें ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। ठीक है, अब ये दोनों हम कॉमन लिख लेंगे, 4 साथ वैसे ही आएगा, f प्लस 3 और जो लेफ्ट रह गया 2f माइनस 5। ठीक, और ये हमारा पार्ट नंबर ई सॉल्व्ड हो गया। ठीक, हाँ जी स्टूडेंट, नाउ पार्ट नंबर एफ, इधर हम पहले ही वही देखेंगे, कॉमन कुछ तो नहीं हमें चाहिए, इसमें से कॉमन निकल रहा है जी 3 कॉमन आया, तो बाकी हमारे पास लेफ्ट रह रहा है 3 8। ठीक, और माइनस 3 5 ज़ार 15, और ये 3 3 ज़ार 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। तो इधर जो हमने अब फैक्टर्स बनाने हैं ना वो 24 के बनाने हैं। ठीक है, कि हमें मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और अगर माइनस हम अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 5 आए। 2 1 2 6 3 3 1 3 जी, हाँ जी ये हो गया आपका, और उसके बाद जो है ना 3 2 6, और इधर से हमने देखनी है कि जो है ना हमारे कौन से जो है ना ये फैक्टर्स बनेंगे जिससे जो है ना ये हमारे पास आ सकता है। 2 2 4 4 2 8, ये देखें 8 को ये 3 अगर हम माइनस करते हैं इसमें से 3 तो हमारे पास 5 आता है। ठीक है, ये 8 वाला हमने फैक्टर ले लिया, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यह तो हमारे पास 24 आया, और ये जो है ना इसको हमने किया माइनस 8 प्लस 3, वी गेट माइनस 5। ठीक है, ये वाले जो है ना अब हमने इस पे जो है ना वो फैक्टर अप्लाई करने हैं, ये 3, ये इधर आया 8h की स्क्वायर माइनस 8h प्लस 3h माइनस 3। ठीक है, ये 3 इधर ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया इसमें से 8, लेफ्ट हमारे पास रह गया h भी साथ आएगा, h माइनस 1, इधर हमने कॉमन ले लिया 3 और लेफ्ट रह गया h माइनस 1। ठीक है, ये h माइनस 1 हमने इनमें से कॉमन आ रहा है, ठीक ये लिख लिया हमने, और उसके साथ जो लेफ्ट रह गया 8h प्लस 3। ठीक, और यही आंसर है जो है ना हमारे पार्ट नंबर एफ का। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर जी, इधर देखें, इधर हमारा 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 2 के 30 भी आता है, 14 भी आता है, 4 भी आता है 2 के टेबल में। ठीक, इधर 2 हमारा कॉमन आया और पीछे लेफ्ट रह गया 15, और ये हो गया 47k, और ये माइनस 2
स्केयर, हाँ जी ये हो गया। ज़रा ऐसे भी लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़रा आप अरेंज करके लिख लें, लेकिन क्योंकि आपने जितने भी किए हैं ना उनका एच स्केयर जो है ना वो स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो वो जो है ना आप ना थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें। ठीक है, इसको -2k² +7k और +15, ये आपका हुआ। तो ये अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30, 30 के जो है ना वो आपने इस तरह के फैक्टर्स करने हैं कि जो है ना वो उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है ना वो 7 आए। 2 15 दार, 3 5 दार और 5 1 दार। ठीक है, 3 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वो भी फैक्टर नहीं बन रहा है। ठीक, सिक्स, और ये वाला एक फैक्टर बन रहा है। ठीक है, 5 3 ज़ार 15, 10, हाँ जी ये बन गया 10 मल्टीप्लाई बाय 3, वो गया 30। ठीक, और ये -3, तो आपके पास -30 आता है, लेकिन अगर आप इसको 10 में से -3 कर देते हैं तो आपके पास 7 आता है। ठीक है, ये आपके जो है ना फैक्टर्स बन गए 10 वाला। नेक्स्ट जो है ना आप इधर ये अप्लाई कर दें, -2k² इधर आया +10k और -3k +15, ये कॉमन 2k बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया k +5, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 5k, इधर -3 आ रहा है और अंदर रह गया k, तो बाहर कॉमन आ गया ना -5। ठीक है, k -5 इधर भी जो है ना ये आ गया। ठीक है, अब इधर k -5 और k -5 कॉमन है, वो आप लिख लेंगे k -5 और 2k -3 जो लेफ्ट रह गया। ठीक है, और यही आंसर है आपके जो है ना इसका। ये जी पार्ट का, ठीक, नाउ स्टूडेंट्स एच पार्ट, इसमें से आपने 5 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, 5 कॉमन आ गया आपका, 5 कॉमन आया और उसके बाद जो है ना साथ एन भी आ रहा है, इधर भी एन है, इधर भी एन है, इधर भी एन है, इधर जो आपका कॉमन आ रहा है ना वो 5n आ रहा है। ठीक है, 5n आपने कॉमन ले लिया और बाकी जो है ना वो आपका लेफ्ट रह गया 5 5 7 35। ठीक है, 35 m² +m -5 6 30 जी, ये रह गया जी आपके जो है ना बाकी जो वैल्यूज़ बची ना वो ये रह गई। ठीक है, 7 6 ज़ार होता है, 7 6 ज़ार 42, और देखें यही इसी का ही वो ही यही जो है ना यही फैक्टर एक बन रहा है इसका। ठीक है, कि अगर आप 7m में से 6m माइनस कर दें तो आपके पास 1 आ जाता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को तो आपके पास माइनस में 42 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया 5n, इधर इसमें से 7 कॉमन निकल रहा है और साथ m भी, पीछे लेफ्ट रह गया m+1, इधर -6 कॉमन निकल रहा है, पीछे रह गया m+1। ठीक, ये देखें ये 6 कॉमन आ रहा है ना, तो ये -6, तो ये अगर हम इसको रिवर्स जाए ना, ये -6m और अगर इसको प्लस करें तो ये प्लस माइनस ये साइन चेंज होगा। ठीक है, ये साइन बाहर आ गया, इस वजह से इसकी जो है ना ये अंदर ये साइन चेंज हो गया माइनस का। 5n m+1 कॉमन है और पीछे जो लेफ्ट रह गया 7m-6। ठीक है, और यही आंसर है आपके एच पार्ट का। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज x² + 8x + 12 cm²
इफ़ अ लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल इज़ एक्स प्लस सिक्स सेंटीमीटर शो दैट इट्स ब्रेथ इज, ठीक है, ये उन्होंने एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ आपको बताया हुआ और उन्होंने कहा है कि उसकी लेंथ ये है, तो आपने जो है ना शो करना है उसकी ब्रेथ ये है। इसका मतलब ये है कि हमने जो है ना इसको फैक्टर्स में जो है ना रिवॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक अगर अगर इसके ये दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूव्ड हो जाएगा कि लेंथ ये आ जाएगी और फिर जो है ना ब्रेथ जाहिर है उसकी ये होगी, ठीक है, और एरिया हमें जो प्रोवाइडेड है वो ये है। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, एक्स की स्केयर 8x प्लस 12, ठीक है, ये हो गया एरिया हो गया, इसको हमने किया 12 के आप बना लें फैक्टर्स, 2 6 are 2 3 और 3 1 are 3 2 6 6 और 2 आ रहे हैं जी इसके फैक्टर्स एक्स स्केयर, और ये आया 6x + 2x + 12, ठीक है। इधर से हमने x कॉमन लिया, ये x प्लस 6 आ गया, और इधर से हमने 2 कॉमन लिया और इधर x प्लस 6 आ गया, ठीक है। x प्लस 6 को आपने इसमें से कॉमन आ रहा है x प्लस 6 और जो लेफ्ट रह गया वो x प्लस 2, ठीक है। तो इधर हमारा प्रूव हो गया, ये लेंथ क्या थी, एक फैक्टर ये बन गया ये L, और ये ब्रेथ हमारी आ गई B जो है ना x प्लस 2, ठीक स्टूडेंट्स। ये इस इन दो फैक्टर्स में रिसॉल्व हो गया, इट्स मीन्स के लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, ठीक है। तो आपने लिख लेना हैंस इट्स प्रूव्ड दैट द ब्रेथ इज एक्स प्लस 2, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। इनको भी हमने फैक्टराइज करना है। अब देखें ये अब इधर वैल्यूज जो है ना हमारे पास फ्रैक्शंस में आ गई हैं। जब हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी तो फिर जो है ना हम उसमें से जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ना वो हम उसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के लिए जो है ना हमारे पास बाकी सब के पास भी जो है ना वो वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वो बाकी सब के पास कैसे आएगी कि हम न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, सॉरी ओनली 9, ये 9/9, ठीक है। अब जो है ना हम बाहर जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं 1/9, -9, ठीक। ये अब हमारी इक्वेशन बन गई जिसको हमने जो है ना वो सॉल्व करना है, ठीक है। 9 4 36, 36 का आप एलसीएम लेके फैक्टर बना लें, 2 1 8 9, और ये अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें कि जो है ना वो किससे जो है ना वो कौन सा जो है ना इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है। 2 2 4 4 3 12, 12 में से अगर हम -3 करें तो वो हमारा बनता है 9, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 36, ठीक है। 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 से तो हमारे पास आता है -30, देखिए माइनस का साइन ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस भी साथ आएगा, और अगर हम 12 में से माइनस करते हैं तो तब भी हमारे पास आता है 9, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना फैक्टर्स बनेंगे 12 by -3 वाला, 4p की स्केयर, ये हमारे पास आया 12p - 3p - 9, इसमें से हमने कॉमन लिया 4p, लेफ्ट रह गया p प्लस 3, इधर -3 और p प्लस 3 रह गया हमारे पास कॉमन, ठीक। 1/9 ऐसे लिखा रहेगा और 4p - 3 इधर आ गया और p+3, ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन लिख लिया, और उसके साथ जो है ना ये दोनों में कॉमन था, ये कॉमन लिख लिया और साथ जो बचा वो लिख लिया 4p - 3, ठीक है। इसको इस साइड पे लिख लें, इस साइड पे लिख लें, डजंट मैटर, ठीक स्टूडेंट्स। और यही आंसर है हमारे पार्ट नंबर ए का। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी, 0.6r - 0.8q r - 12.8q² r। अब ये सबसे पहले एक पॉइंट में है, पॉइंट में अगर आप लेंगे तो वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और साथ दूसरा ये कि हमने कॉमन देखना है,
इसमें से क्या कॉमन, एक तो आर आ रहा है और दूसरा टू आ रहा है। सबसे पहले जो है ना हम इसकी जो है ना वो पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 10। ये ख़त्म किया नीचे 1/0, 8 QR 10, 128 नीचे 10, ठीक ये आ गया। अब कॉमन हमारे पास आ रहा है आर, तीनों के पास आर है, ठीक है आर आ रहा है, 10 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक स्टूडेंट्स। और लेफ्ट रह रहा है 3 - 4Q - 4 = 64, ठीक ये हमारे पास आ गया 64 QR। अब देखें ये जो हमारी आर वाली स्केयर है ना, स्केयर के साथ जो वैल्यू ना ये माइनस है, ये भी माइनस है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें ना तो हमारी ये इक्वेशन जो है ना वो फिर थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। तो वो जो है ना हमने माइनस को भी कॉमन ले लेना है, -2R/10, और इसको इधर स्टार्ट पे लिख लें 64Q² + 4Q - 3, ठीक है इसको हमने अरेंज करके लिख लिया है। नाउ स्टूडेंट्स 64 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 192। अब हमने 192 का जो है ना वो एलसीएम लेना है, 2 9s are 18, 6 2 4s are 8, ठीक है 2 2 4 1 2 2 6 और 2 3 और 3 1s are 3, ठीक है। अब हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जो है ना जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आए 192। अगर हम उसको करें माइनस करें तो हमारे पास आए 4, ठीक है इधर से हम देखते हैं 2 2 4 4 2 8 8 4 16 16, और 16 में ये देखें ये 12, 2 2 4 और ये 3 12, ठीक है 16 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 4Q, और अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो हमारे पास आएगा 192, ठीक है 16 × -2 वी गेट 1 - 192, और 16 - 12 वी गेट 4, ठीक है ये हम फिर फैक्टर अपने जो है ना उसके यूज़ करेंगे कि अपनी मिडिल टर्म जो है ना इसमें ब्रेक करेंगे। ये हो गया, ये इधर हो गया 64Q² 16Q - 12Q - 3 -2R/10, ये इधर आपने लिया कॉमन आया हमारे पास 16 ही, और लेफ्ट रह गया आपके पास 4Q 16 4 = 64 होता है और 1, ठीक इधर कॉमन आ रहा है 12 - 12, लेफ्ट रह गया 12 नहीं 3 सॉरी -3 कॉमन आ रहा है, ठीक है लेफ्ट रह गया 4Q और +1। इस ये जो बाहर माइनस है ये वाला माइनस का साइन है, इसने अंदर जो वैल्यू है उसका भी साइन जो है ना वो चेंज कर दिया, जैसे माइनस का तो ये प्लस में चेंज हो गया। आप बेशक इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास यही आंसर आएगा 3 4 12 - 12 और ये माइनस, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम अंदर माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ की जो होती है ना वो साइन चेंज हो जाते हैं। -2 ये बेशक आप इधर पॉइंट लगा लें, 10 आपको उसमें लिखना ही नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट में बेशक लिखा रहे बेशक आप इधर यूँ पॉइंट लगा लें, ठीक है ये 0.2 हो गया। ये इन दोनों में कॉमन है QR + 4Q + 1 वो लिखा, और जो लेफ्ट रह गया 16Q - 3, ठीक है और ये आंसर है आपके बी पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 3B ऑफ बुक D2 इज सॉल्व्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।